जी, हम शर्मा आगा बोल रहे हैं और हमारी तरफ से सभी को आदाब अर्ज है। सिर्फ डॉक्टर साहब और इनकी खिदमात जो ये बिल्कुल बेगर्ज हो के सबके लिए पेश करते हैं। हमारा नहीं ख्याल कि इस प्रोफेशन में अब बहुत इन जैसे नोबल रोग रह गए हैं जो अपनी सेल्फलेसली लोगों की इतनी खिदमत करते हैं। हम तो इनको मदर टेरेसा से कंपेयर करेंगे क्योंकि आज ज़माना पैसे का है, कोई उसके बगैर कुछ नहीं करता। मगर डॉक्टर साहब जो हैं वो इतनी गरीबों की खिदमत करते हैं, इतनी लोगों को हेल्प करते हैं अपनी अपनी नॉलेज से, अपनी चीज़ों से। तो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन और जिसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए हेल्पिंग हैंड इनकी सोशल वर्क में जो जो कोई भी दे सके उसको ज़रूर देना चाहिए। एंड आई एम एब्सोल्युटली विद डॉक्टर उमंग खन्ना इन ऑल द गुड थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग। डॉक्टर साहब का हमने पहली दफ़ा जिक्र सुना था, एक हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छी फैमिली से, सैयद रिजवी साहब। उनकी जो बेटी हैं उनकी सांस का इलाज डॉक्टर साहब ने किया जो बिल्कुल बेड रिडन थी, मतलब वो चल फिर नहीं सकती थी और बहुत तकलीफ में थी। तो नाहिद उनकी बेटी का नाम है, वो हमेशा कहती रहती थी कि कोई सिलसिला कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि मेरी सांस को सेहत मिल जाए, अच्छी हो जाए। तो वो इनके पास लेके गई और उसके बाद इलाज कराने के बाद जो उठ के चल फिर के कुछ नहीं कर सकती थी और खुद डॉक्टर साहब के इलाज से उनके ऐसा हो गया कि उन्होंने खुद सफिशेंटली अपने आप की खुद मदद करनी शुरू कर दी और वो बहुत 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 अच्छी हो गई इनके इलाज से। और देखा जाए तो इनको क्या कुछ कोई दे सकता है अपनी जिंदगी सेहत इसके इवज में जो आदमी ठीक कर दे, उसको इंसान कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी अजीज चीजें हैं सेहत। तो इनका एक लखनऊ में होना जो है हमारे ख्याल से बहुत गॉड ब्लेसिंग है आप सब लोगों पे और इनकी जितनी भी कदर की जाए उतनी कम है। और हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर साहब के इस फंक्शन पे हम बिल्कुल पहुंचें। हालांकि मुल्क से बाहर हैं मगर डॉक्टर साहब बुलाएं तो हम कहीं भी आएंगे। आई एम एब्सोल्युटली विथ हिम। और वो एक शेर है अहमद फराज साहब का कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। डॉक्टर साहब को बहुत पहले मिल लेना चाहिए था, इतने अच्छे इतने भले इंसान हैं। एंड वन ऑफ दीज डेज आई विल बी देयर विथ ऑल ऑफ यू और ख़ास मुलाकात के लिए आएंगे इंशाल्लाह। और अच्छे रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे की मदद जिंदगी का जुज यही है। किसी के हाथ बढ़ाने से पहले खुद अपना हाथ बढ़ा दीजिए तो फिर देखिए आप जिस कौम जिस मजहब जिससे भी होंगे ना वो कहेगा कि हमें इस जैसा ही बनना है। अल्लाह हाफिज़।